जी, ये भी खबर आ रही थी कि आप लखनऊ में भी कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, विरोध करने जा रहे हैं, वहां पर भी आप अनशन पर बैठ रहे हैं या फिर एक मुहिम वहां से भी शुरू करने जा रहे हैं, ये क्या है? आप क्या चाहते हैं कि एक एक तरह से देशव्यापी मुहिम की जाए? क्या आप भी कुछ वैसा ही करना चाहते हैं जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर हुआ था? देखिए, उस पहली मुहिम को भी हमने पहले भी समर्थन दिया और उस मुहिम की शुरुआत मात्र हुई है। लोकपाल बिल अभी बना नहीं, उसका अभी तो फाइनल ड्राफ्ट भी नहीं हुआ है। उसमें जो मुख्य रूप से सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के ऊपर असंवैधानिक काम करने के लिए लोकपाल सक्षम बने, जिन्होंने देश को लूटा उनसे वसूली की जाए, बाद में उनके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का विधान हो, अभी ड्राफ्ट ही नहीं बना। इस ड्राफ्ट को बनवाना, ये तो एक पक्ष है उस मुहिम का। ठीक है कि कुछ दिन तक वो मुहिम चाहे टीवी स्क्रीन सिस्ट को शोभा बढ़ाती रही, अखबारों की हेडलाइन बनती रही, लेकिन धरातल पर तो कुछ नहीं उतर पाया। उसको भी आगे लेकर के जाना, उसके बाद 400 लाख करोड़ पैसे देश को वापस दिलाना, और ये जो लोकतंत्र को लोगों ने षड्यंत्र करके लूटतंत्र और भ्रष्टतंत्र बना दिया, इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना, तो ये तीन हमारी इस मुहिम के हिस्से। आखिर सरकार को अब सब कुछ साफ सुथरा करना पड़ेगा। अब ये जो है ज्यादा दिनों तक ये लूट नहीं चल सकती, तो पहले हम दिल्ली से इस अभियान को शुरू करेंगे और उसके बाद में मुझे लगता है ये धारा चारों तरफ सभी प्रांतों में जाएगी और पूरे देश की राजनीति का शुद्धिकरण होगा। न सत्ता चाहिए, न हमको न सिंहासन, हमें ये देश बचाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है और लूटा हुआ देश का धन वापस इसको दिलाना है, और कोई हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का राज्य हो, चाहे यूपीए का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे किसी भी नेशनल या रीजनल पार्टी का हो, कोई भी देश के साथ धोखा न कर पाए, देश को लूट न पाए और देश की जो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराएं वो रामदेव जी आपने अभी एक बात कही, ना तो ये हमारा उद्देश्य और कोई राजनीतिक उद्देश्य। रामदेव जी आपने अभी एक दो शब्दों का इस्तेमाल किया, ना तो सत्ता की आपको ख्वाहिश है ना ही सिंहासन की, तो क्या आप आज तक पर यह ऐलान करते हैं कि अगर कभी ऐसा मौका जिंदगी में भी आया जब आपको सत्ता और सिंहासन दोनों या इसमें से कोई एक मिलता हुआ भी दिखे तो आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे? अजय भाई, पहले भी मेरी प्रतिज्ञा थी, आज मैं अपनी भीष्म प्रतिज्ञा को पुनः दोहराना चाहता हूं। देश नहीं, दुनिया की कितनी भी बड़ी सत्ता क्यों ना मिले, मैं एक सन्यासी पैदा हुआ इस धरती के ऊपर और सन्यासी ही जाऊंगा। न कोई राजनीतिक चुनाव लड़ूंगा, न कोई राजनीतिक पद ग्रहण करूंगा, बिना किसी सत्ता और संपत्ति के चाहे देश को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर के पहले भी संघर्ष करता रहा हूं, आगे भी करूंगा, और यही एकमात्र मेरी जिंदगी का ध्येय है। इसके अलावा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। और मैं एक बात और कहता हूं अजय भाई, आखिर देश की राजनीति मुझे क्या दे सकती है जो मैंने ना पाया हो? आज इस देश के 121 करोड़ लोगों का मुझे प्यार प्राप्त है। इस निराशा और अविश्वास भरे वातावरण में देश के करोड़ों लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और क्या चाहिए मुझको? बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही है। जब इतने लोगों का प्यार आपके पास हो तो फिर बाकी और क्या बचता है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं रामदेव जी, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे कुछ और बातें करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे दरअसल कि कुछ लोग आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आवाज ऊंचे महकमों तक लेकर जा रहे हैं। एक तरफ बाबा रामदेव हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन को वापस देश में लाने के लिए एक मुहिम छेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे तमाम लोग हैं जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा का आरोप लगा रहे हैं, यहां तक ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुराचार भी है, और इसे लेकर देश के कोने कोने में आवाज भी उठा रहे हैं और देश के सर्वोच्च यानी कि राष्ट्रपति के दरवाजे को भी खटखटाने से परहेज नहीं कर रहे। बाबा रामदेव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रामदेव जी, ये बताइए कि राष्ट्रपति के दरवाजे को खटखटाने से भी कुछ लोग परहेज नहीं कर रहे, वहां भी जाकर आपकी शिकायत कर रहे, आखिरकार ये इतनी ज्यादा आपके खिलाफ लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं? ये एक साथ इतने सारे लोग क्यों आ गए? संत समाज भी आ गया आपके खिलाफ? पहली बात अजय भाई, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, कोई भी देश का नागरिक उनसे मिल सकता है। दूसरी बात, इस देश के शीर्ष संतों को आप लीजिए, पूज्य मुरारी बापू, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हमारे देश के माननीय शंकराचार्य जी और हमारे देश के दसों अखाड़े, हमारे इस देश के जो शीर्ष संत परंपरा है, जिन्होंने जिनका इस देश के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है, जिनका कोई कैरेक्टर है, जिन लोगों का कोई
चरित्र नहीं है, जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, जिनका चरित्र कोई नहीं है, जो धर्म के नाम पर कलंक है, यदि इस तरह के कुछ लोग यदि कुछ बातें करें तो मैं उनका उत्तर देना जो है मैं समझता हूं कि वह मेरी मर्यादा संन्यास की मुझे अनुमति नहीं देती। इसलिए ऐसे लोग जिनका इस देश के लिए इस धर्म संस्कृति के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, जिन लोगों का एक ही मकसद है कि जो भी इस देश की भलाई के लिए काम कर रहा है उसके खिलाफ कैसे षड्यंत्र किए जाए, वो कोई साधु तो हो नहीं सकता और उसको कोई नाम दिया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है। दरअसल लोग अपने आप को साधु कह लेते हैं तो उसके बाद फिर उनके आगे पीछे साधु कहना ही पड़ता है, क्या किया जाए। लेकिन एक दूसरा बड़ा मसला है, जब अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन चल रहा था और इस सवाल के बारे में हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, उस वक्त भी कहा गया आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए कि आप शायद जरा घबरा गए थे कि कहीं जो मुहिम आपने शुरू की थी उसे कोई दूसरा हाईजैक तो नहीं कर रहा है। आखिरकार सब आप लोग एक साथ क्यों नहीं मिल पाते, एक संयोजित तरीके से कार्यक्रम क्यों नहीं आगे बढ़ पाता, एक ये आरोप भी लगता है आप सबों पर। तो देखिए, पहली बात, माननीय अन्ना हजारे जी जो मेरी बहुत मेरे साथ में उनके बहुत अच्छे तालुकात हैं, वो इज्जत भी करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। जहां तक भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खास करके उत्तर भारत में उनको स्थापित करने का प्रश्न है, हमने पतंजलि पीठ से लेकर के 14 नवंबर के कार्यक्रम जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ हमने पहले FIR दर्ज कराए, वहां पर 99% हमारे संगठन के लोग थे, जो लोग हम इस पूरे आंदोलन में जुटे हुए थे वो सारे कार्यकर्ता थे। 30 जनवरी के कार्यक्रम की बात हो या 27 फरवरी को, तो पूरा का पूरा रामलीला मैदान में जो है, जो आज लोकपाल बिल के लिए जो बातें उठ रही है और जो मुहिम चल रही है उसमें जो लोग थे, हमने पूरे सम्मान के साथ उनको मंच पर बुलाया। तो हमने कभी भी जो है असंगठित होने का प्रयास नहीं किया, और दूसरे लोग यदि किस दिशा में चलते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ये उनसे पूछिए। लेकिन आज भी हमारा उस मुहिम को समर्थन है कि एक सशक्त, एक समर्थ, एक स्वायत्त तो लोकपाल बिल बनना चाहिए। और मात्र लोकपाल की बात तो मैं इसको अस्वीकार करता हूं, मैंने जंतर मंत्र पर भी आकर के कहा था, लोकपाल से लड़ाई शुरू होती है, यहां पर समाप्त नहीं होती है। इससे आगे करीब 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन, उसके बाद में टोटल करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे बूढ़े हुए कानून, वो सारे के सारे, चाहे वो हमारी शिक्षा पद्धति है, चाहे हमारा पूरा चुनावी तंत्र है, चाहे वो भाषा की बात है, चाहे वो किसानों के साथ जो है 1894 का बना हुआ लैंड एक्विजिशन की बात है, टोटल इस करप्ट सिस्टम को चेंज करने तक का प्रश्न है। तो इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को हमें एक छोटे स्वरूप में समझे, और कोई राजनीतिक पार्टी जो ये कहे कि हम तो बस लोकपाल फिर बना दे रहे हैं और हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भ्रष्टाचार को समग्र रूप से समझना पड़ेगा और उसको मिटाना पड़ेगा, तभी अभियान आगे बढ़ेगा। पहले अभियान के भी हम साथ में थे, कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा हम उसके साथ में खड़े होंगे, लेकिन किसी के साथ में खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी लड़ाई बंद कर दें।